हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी एक शैतान जादूगर के बारे में है जो अपने स्पेल से दुनिया की हैप्पीनेस को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी ग्रूविंगम नाम के एक मैजिकल टाउन से शुरू होती है जो अर्थ से अलग एक दूसरे डायमेंशन में बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अपने डेली लाइफ से बहुत परेशान हैं। तभी हम ग्रीन और उसकी वाइफ मैरी को आते हुए देखते हैं, जो टाउन से बाहर मैजिक सीखने गया था, और उसे वापस आते देख किंग और उसके लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। उन्हें ग्रीन के मैजिक से बहुत उम्मीद है कि वो उनकी उदास लाइफ को फिर से खुशहाल बना देगा, और ग्रीन भी अपने स्पेल से उनकी मदद करने लगता है। लेकिन पता चलता है कि स्पेल का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है और लोग खुश होने के साथ साथ लापरवाह भी हो गए हैं। इससे उनके काम बिगड़ने लगते हैं और जल्दी ही टाउन में तबाही मच जाती है। किंग को ग्रीन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर से उसे अरेस्ट करने को कहता है। ग्रीन बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक हिल पर आकर सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। तभी मैरी अपना फ्लाइंग ब्लिंप लेकर आती है और वो दोनों टाउन से निकलकर एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। मैरी उसे समझाती है कि मैजिक से लोगों को खुश नहीं बनाया जा सकता और ये फीलिंग तो उन्हें अपने अंदर ही ढूंढनी होगी। लेकिन ग्रीन को किंग और टाउन के लोगों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तो बस उनकी मदद करना चाहता था। यही उन्हें एक छोटा सा बेबी ड्रैगन मिलता है और वो उसे पेट बनाकर पालने का प्लान करते हैं। फिर मैरी टाउन से कुछ सप्लाईज लेने जाती है, लेकिन किंग के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और ग्रीन की मदद करने के जुर्म में किंग एक पोर्टल के थ्रू उसे अर्थ पर भेज देता है, जिससे वो 1970 के लंदन शहर में आ जाती है। उधर ग्रीन को लगता है कि शायद मैरी उसे धोखा दे गई है और अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहां मैरी अब अपने ग्रैंडसन टेरी के साथ रहती है और उसे अपने और ग्रीन के किस्से सुना रही है, लेकिन टेरी को ये सब एक कहानी की तरह लगता है। और दूसरी तरफ हम ग्रीन को देखते हैं, जो आज भी किंग और टाउन के लोगों से बहुत नाराज है और उनसे अपना बदला लेना चाहता है। अर्थ पर मैरी ने एक थीम पार्क बनाया है जो दिखने में बिल्कुल ग्रूविंगम जैसा है, और वो और टेरी वहाँ खूब मस्ती करते हैं। लेकिन फिर एक दिन मैरी दुनिया से चली जाती है और टेरी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वो उस थीम पार्क को चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोगों को अब उस जगह में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और बैंक मैनेजर भी टेरी को इसे बेचने को कहता है क्योंकि दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। टेरी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी उसे ब्लिंप में रखा एक हैंडल दिखाई देता है। चेक करने के लिए वो उसे ब्लिंप में लगाता है, लेकिन देखता है कि इससे उसमें एक मैजिक सा आ गया है और वो एक पोर्टल से निकालकर उसे ग्रूविंगम में ले आता है। वहाँ वो एक ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है और उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बने एक कैसल पर पड़ती है जो दिखने में बिल्कुल उनके थीम पार्क जैसा है, और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। आगे का सीन रॉयल प्रिजन का है, जहां ग्रीन जेल तोड़कर भाग निकलता है ताकि किंग से अपना बदला ले सके, लेकिन एक स्टैचू देखकर उसे पता चलता है कि किंग तो पहले ही मर चुका है। इससे ग्रीन उदास हो जाता है कि अब वो अपना बदला नहीं ले पाएगा, लेकिन तभी वो देखता है कि आज प्रिंसेस मिया का कोरोनेशन होने वाला है और वो किंग के बदले उसे अपना शिकार बनाने की सोचता है। फिर वो अपने ड्रैगन डिंगो को लेकर पैलेस की ओर जाता है, जहां टाउन के दूसरे लोग भी सेरेमनी में शामिल होने आए हैं और मिया अपने फंक्शन के लिए तैयार हो रही है। तभी वो लोग ग्रीन को आते हुए देखते हैं, जो कहता है कि मैं तो यहाँ बस खुशियाँ बांटना चाहता था, लेकिन किंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब तुम लोगों को उसकी सजा भुगतनी होगी। फिर वो अपने ग्लूम स्पेल का यूज करता है, जिससे लोग दुखी और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मिया को अपना शिकार बना पाए, उसके सर्वेंट्स उसे एक हिडन रूम में छुपा देते हैं और वो उसके ग्लूम स्पेल से बच जाती है। इधर दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं, जो अर्थ पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है, और तभी उसके पास मिया का पेट बीप आता है, जो यहाँ मदद ढूंढने आया है, और वो टेरी के हैंडल को निकालकर अपने साथ ले जाता है। ग्रीन भी टाउन को बर्बाद होते देख बहुत खुश होता है, लेकिन उसका मिनियन उसे बताता है कि मिया पैलेस में कहीं छुप गई है और वो उसे ढूंढने के लिए पैलेस में चलने को कहता है। इधर टेरी भी बीप का पीछा करते हुए पैलेस तक आ जाता है और देखता है कि यहाँ हर तरफ उदासी छाई हुई है और लोगों का बिहेवियर भी बहुत अजीब है। वहाँ से निकलकर वो मियाँ के रूम तक आता है और मियाँ को लगता है कि ये शायद उसका प्रिंस चार्मिंग है, जो यहाँ टाउन की रक्षा करने आया है। टेरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मियाँ उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि हमें जल्दी से मेरे बटलर के पास जाना होगा। वहाँ बटलर उन्हें एक प्रीस्ट के बारे में बताता है, जो इस स्पेल को तोड़ने में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं जानता। इधर ग्रीन भी पैलेस तक पहुँच जाता है और टेरी देखता है कि ये तो उसकी दादी की स्टोरी वाला जादूगर है।
उसे लगता है कि ग्रीन शायद वापस जाने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बटलर उसे बताता है कि ग्रीन पहले से बहुत बदल गया है और तुम्हें उसके करीब नहीं जाना चाहिए। तभी मियाँ को एक आइडिया आता है कि टेरी को उसके साथ उस प्रीस्ट के पास चलना चाहिए, क्योंकि वो उसके वापस जाने का रास्ता बता सकता है, और टेरी भी कुछ सोचकर उसकी बात मान जाता है। प्रीस्ट की लोकेशन जानने के लिए वो मैप रूम में आते हैं, जहां उनकी मुलाकात जीपीएस नाम के एक रोबोट से होती है, और तभी वो देखते हैं कि ग्रीन भी अपने मिनियंस के साथ वहां आ पहुंचा है। जीपीएस एक सीक्रेट रास्ते से उन्हें बाहर ले आता है और बताता है कि वो प्रीस्ट तक जाने में उनकी मदद कर सकता है। टेरी उन्हें अपना ब्लिंप यूज करने को कहता है ताकि वो प्रीस्ट के पास जल्दी से पहुंच सके, और बताता है कि अब वो इस जगह और नहीं रह सकता। मियाँ उसके जाने की बात सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन टेरी कहता है कि मुझे अपनी दादी के थीम पार्क को फिर से चालू करना होगा, क्योंकि वही उनकी आखिरी निशानी है। फिर जल्दी ही वो उस प्रीस्ट के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो तो असल में एक रॉक जाइंट है जो उनकी प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही जानता है। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि तुम लोगों को एक विस्परिंग केव में जाना होगा, जहां एक ऐसी क्रिस्टल की है जो इस स्पेल को तोड़ सकती है, और वही तुम्हारे अर्थ पर जाने का रास्ता भी है। तभी वो देखते हैं कि ग्रीन ने भी छुपकर सब सुन लिया है और वो उसकी को नष्ट करना चाहता है। फिर वो उन्हें मारने की कोशिश करता है और ये लोग अपना ब्लिंप लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी एक चट्टान उनके बैलून को चीर देती है और इससे वो लोग क्रैश हो जाते हैं। जीपीएस उन्हें बताता है कि पास ही में एक बैलून किंगडम है और वहाँ तुम अपने ब्लिंप को ठीक करा सकते हो। फिर जल्दी ही वो उन्हें उस किंगडम में ले आता है, जहाँ हर चीज बैलून से बनी हुई है, और थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर वो लोग उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तभी उन्हें फॉलो करता हुआ ग्रीन भी वहाँ आ जाता है और वो और उसके मिनियंस उन पर अटैक कर देते हैं। टेरी लड़ने में बैलून्स की मदद करता है और जल्दी ही वो सब मिलकर ग्रीन को हरा देते हैं। फिर बैलून्स उसके ब्लिंप को पैचअप कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाए, मियाँ ग्रीन के स्पेल से इन्फेक्ट हो जाती है और उस पर भी उदासी और डिप्रेशन छा जाता है। तब जीपीएस उन्हें गोकू नाम के एक इंचेंटर के बारे में बताता है, जिसका ठिकाना पास ही के एक जंगल में है, और वो लोग वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना कुछ ट्री मॉन्स्टर से होता है, जो उन्हें मारकर क्रिसमस के लिए डेकोरेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन टेरी किसी तरह बहलाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और वो लोग वहाँ से बच निकलते हैं। आगे हम उन्हें गोकू के पास देखते हैं, जो बताता है कि इस स्पेल को तोड़ने के बस दो ही तरीके हैं। पहला तो तुम्हें किसी जादूगर के पास जाना होगा, लेकिन ग्रीन के अलावा यहाँ कोई जादूगर नहीं है, और दूसरा तरीका है सच्चे प्यार की पहली किस, जो किसी भी जादू के स्पेल को तोड़ सकती है। लेकिन टेरी उसे समझाता है कि हमें मिले तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, और भला इतनी जल्दी सच्चा प्यार कैसे हो सकता है। फिर वो वहाँ से निकलकर एक हिल पर आते हैं और टेरी को ना चाहते हुए भी मियाँ को किस करना पड़ता है। इससे मियाँ ठीक हो जाती है, लेकिन टेरी उसे बताता है कि ये सब करना मेरी मजबूरी थी और मैं फिलहाल इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मियाँ को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो उनसे खुद को अकेला छोड़ने को कहती है। टेरी भी जीपीएस और बिप के साथ वहाँ से चला जाता है और जल्दी ही वो तीनों उस केव तक आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि केव में सिर्फ जादूगर ही अंदर जा सकते हैं, और केव उसे उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ उसका सामना एक बार फिर ग्रीन से होता है। ग्रीन उस पर अपने स्लीपी स्पेल का यूज करता है, जिससे टेरी को नींद आ जाती है और ग्रीन की को लेने केव में चला जाता है। वो जानता है कि जादूगर होने के नाते उसे कोई नहीं रोक सकता, और केव भी अपने साथ उसे अंदर ले जाती है। इधर बिप भागता हुआ मियाँ के पास आता है और उसे बताता है कि टेरी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो एक आदमी से उसका अजीब सा दिखने वाला एक घोड़ा चुराते हैं और मियाँ टेरी को किस करके उसे होश में ले आती है। तभी वो लोग ग्रीन को आते हुए देखते हैं, जिसे केव में कोई की नहीं मिली, और वो इसका इल्जाम टेरी पर लगाता है। इस पर टेरी कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि केव में तो बस एक जादूगर ही जा सकता है। लेकिन तभी उसकी पॉकेट से वो की बाहर आकर गिरती है। फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गड्ढे में गिरने के कारण बेहोश हो जाते हैं, और ग्रीन उन्हें पकड़कर कैसल में ले चलने को कहता है। आगे का सीन कैसल का है, जहाँ ग्रीन ने उन्हें जेल में डाल दिया है, और मिया देखती है कि टाउन के लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए हैं। फिर वो टेरी से उस की के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और मुझे तो इस बात की चिंता है कि ग्रीन कहीं उस की को नष्ट ना कर दे। नर्वस होकर वो अपनी दादी का बताया एक सीक्रेट वर्ड बोलता है, और ऐसा करते ही वहाँ एक बनी आ जाता है। मियाँ उसे वो वर्ड दोबारा बोलने को कहती है, और पता चलता है कि टेरी भी अपनी दादी की तरह एक जादूगर ही है।
उधर ग्रीन उसकी को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ टैरी और मिया आ जाते हैं जो मैजिक से उस जेल से छूट गए थे, और टैरी ग्रीन के हाथ से उसकी को छुड़ा लेता है। फिर वो ग्रीन और उसके मिनियंस का मुकाबला करने लगते हैं और टैरी ग्रीन को कैसल की छत से नीचे गिरा देता है। फिर वो की के मैजिक से ग्रीन के स्पेल को तोड़ देते हैं और उनका टाउन एक बार फिर पहले जैसा हो जाता है। की की पावर ब्लिम को भी एक्टिवेट कर देती है और वहाँ अर्थ के लिए एक पोर्टल खुल जाता है। टैरी मिया को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ग्रीन छत पर वापस आ गया है और ब्लिम्प लेकर अर्थ की ओर जा रहा है। टैरी भी उसके पीछे जाता है और पोर्टल से होते हुए वो दोनों थीम पार्क में आ जाते हैं। यहाँ ग्रीन को अपनी और मैरी की फोटोज दिखाई देती हैं और वो समझ जाता है कि मैरी उसे कभी नहीं भूली थी। तब टैरी उसे बताता है कि वो हमेशा आपको बहुत मिस करती थी और आपकी ही याद में उन्होंने इस थीम पार्क को बनाया था। ग्रीन ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो तो बस लोगों को खुश देखना चाहता था, और इस पर टैरी उससे कहता है कि वो तो आप अभी भी कर सकते हो। फिर जल्द ही वो उस थीम पार्क को दोबारा खोल देते हैं, जहां ग्रूविंगम से आए उनके दोस्त भी शामिल हैं और लोगों को भी ये बहुत पसंद आता है। मिया भी टैरी के साथ यहीं आ गई है और वो सब मिलकर उस थीम पार्क को चलाने लगते हैं। ग्रीन भी अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय करने लगता है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।